सुजानपुर के टाउन हॉल को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। विधायक राजेंद्र राणा ने जहां इसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा राजेंद्र राणा पर मीडिया में झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। धूमल ने कहा कि सरकार द्वारा टाउन हॉल का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके लिए सरकार कागजी कार्यवाही पूरी करके ही इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। वहीं उन्होंने राणा पर निशाना साधते हुए बताया कि राणा द्वारा बिना बजट के ही शिलान्यास पट्टिका पार्क में लगा दी थी, जिसके लिए विभिन्न विभागों की अनुमति लेना उचित था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने विभाग की अनुमति लेना उचित नहीं समझा, जिसके कारण समस्या पेश आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा राजेंद्र राणा पर मीडिया में झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा टाउन हॉल का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके लिए सरकार कागजी कार्यवाही पूरी करके ही इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। वहीं उन्होंने राणा पर निशाना साधते हुए बताया कि राणा द्वारा बिना बजट के ही शिलान्यास पट्टिका पार्क में लगा दी थी, जिसके लिए विभिन्न विभागों की अनुमति लेना उचित था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने विभागीय अनुमति लेना उचित नहीं समझा, जिसके कारण समस्या पेश आ रही है। वहीं सरकार द्वारा प्रयासों के कारण टाउन हॉल का कार्य पशुपालन विभाग में बनाया जा रहा है, जिसके लिए विभाग पशुपालन विभाग ने अपनी भूमि का तबादला भी कर दिया है। बस स्टैंड पर बने खोखे के ऊपर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धूमल ने कहा कि गरीबों का खोखा धारकों को बिना वजह तबादला किए बिना ही खोखे बनाने का शिलान्यास कर दिया है, जिसके लिए आज दिन तक खोखा धारकों को पक्के खोखे नहीं मिल पाए हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही खोखा के लिए भूमि के तबादले के लिए प्रयास कर रही है। भूमि तबादला होते ही खोखा धारकों को ही शीघ्र नए खोखे ही मिलेंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा खोखों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों की जन समस्याओं को कार्यालयों में सुना जा रहा है, जिसके चलते लोग कार्यालय के कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने नगर परिषद में चल रहे रिक्त पद के बारे में बताया कि कार्यकारी अधिकारियों का पद शीघ्र ही भरा जाएगा, जिसके चलते प्रशासन ने तहसीलदार अशोक पठानिया को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि सुजानपुर स्कूल में पानी की लीकेज के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस समस्या को शीघ्र से ठीक किया जाए, ताकि बरसात के दिनों में बच्चों को पानी की कमी ना पड़े। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और मौके पर हल भी कर दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल के रंजीत ठाकुर, शहरी इकाई के प्रधान सुमन गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा सहित अन्य के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जब से कार आए यहाँ पे तो बदले से पूछते हैं आपकी क्या हुआ, अगर विधायक के द्वारा ही सारा कुछ हो रहा है तो विधायक ने सारे लगा देने कमी क्यों है, कमी है तो सरकार की कर दिया तो किसी और ने कर दिया, जो विकास के लिए पैसा आता है, जो अनुदान आता है, जो कर्मचारी आते अधिकारी आते वो सरकार की ही आदेश पर होता है सब कुछ। पिछले दिनों बहुत भयंकर तूफान सुजानपुर शहर में आया था, इसके कारण सारी बिजली की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि एक्शन विकसित बोर्ड में एक्स्ट्रा लोग लगाकर दिन रात एक करके बहुत शीघ्र सारे शहर में बिजली डिस्टर्ब की, ये विश्वास है भारी बारिश और बरसात के कारण ये नुकसान इस उपमंडल में हो रहा है, प्रशासन उसकी ओर ध्यान देता रहेगा और लोगों को कम से कम असुविधा हो, अब तो हो ही ना ऐसा प्रयास करें और सामान्य जीवन तुरंत चालू हो जाए ऐसा प्रयास करने का आ गया है प्रशासन का भी। सर, वार्ड नंबर 8 में जो समस्या बनी हुई थी वो समस्या का निदान नहीं हो पाया है सर, क्या कारण है सर? जो वार्ड नंबर 8 के लोगों की समस्या, जो नाले की समस्या थी, उसको मतलब अभी भी लोग वहां पे परेशान नजर आते हैं। ऐतिहासिक परेशानी लोग यहाँ खड़ी की गई है, तो सीवरेज सिस्टम ठीक तरह से नहीं हुआ है, इस सारे को कैसे तकनीकी तौर पर किया जा सकता है, प्रशासन ने प्रयास किया
जिन्हें एसडीएम ने काफ़ी प्रयास किया था, आशा है नया प्रशासन भी उसको ध्यान देगा और वर्तमान परिस्थितियों में क्या उसमें गुंजाइश है सुधार की हो सुधार की हो। थैंक यू कारण है सर, जब तक उचित प्रावधान नहीं होता और निर्णय तथ्यों पर आधारित नहीं होते तब तक मामला जहाँ मर्जी गूंजता रहे, कार्रवाई तो वस्तुस्थिति और तथ्यों पर आधारित होती है। मैंने पता किया था, जब मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो मैंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। कहा गया कि चिल्ड्रन पार्क में कोई शिलान्यास नहीं है, उस स्थान को जिला प्रशासन ने रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ पीपल के दो बड़े पेड़ बताए जाते हैं जिनको काटना संभव नहीं है, ग्रीन एरिया है, इस कारण से नहीं हो सका। मैं धन्यवादी हूँ जिला और मंडलीय प्रशासन का, उन्होंने नई जगह आइडेंटिफाई की है, उसका तबादले के कागज मिला भेजे गए थे, मुझे पता लगा कि शायद स्वीकृति मिल गई है और इसकी एक्सपेंडिचर सैंक्शन भी नहीं थी पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं थी, ना व्यय की स्वीकृति थी ना प्रशासनिक स्वीकृति थी। सारी औपचारिकताएं पूरी करके जो उचित स्थान इसके लिए भेज गया है प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर निर्माण कार्य पर्याप्त धन का उपलब्ध के माध्यम से खर्चे के लिए धन भी पूरा उपलब्ध हो, स्थान भी ठीक हो और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसका प्रयास करना चाहेंगे। तो बातें सरकार के ध्यान में लाई गई, इसी कारण से गतिशीलों माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं हॉस्पिटल का हाल देखे गए हैं, एक सुपर स्पेशलिस्ट का प्रावधान किए गए, गाड़ी कमरे का आप जुड़ाया गया है। प्रयास रहेगा सरकार के माध्यम से पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स हो उनकी पूछते में यहाँ जल्दी से जल्दी की है। जहाँ तक मेरी सूचना है, माननीय प्रशासन ने जो प्रबंध किया है लोग उससे संतुष्ट हैं, किसी बार साहब काम देख रहे हैं और सही काम हो रहा है। सर अभी ये उपलब्ध होगा तो प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहा है प्रशासन, कोई भी घास ऐसी जो गंद घास हो उसको काटने का प्रयास कर रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।